अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय मुजलिन। मुजलिन का ये लग्जरी कलेक्शन है। प्राइस है इसकी 13,590 रुपीज़। इसके और भी बहुत सारे कोड्स मैंने जो है कुछ टाइम पहले शेयर किए थे, बट ये जो है स्टिच अभी हुआ तो हमने इसको स्टिच किया है एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ पे। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, पहले तो इसका जो है कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। ये रस्ट कलर की शर्ट है, 3 शेड्स में कंप्लीट ड्रेस हुआ है। और ये इसका सेंटर पैनल है जो यहाँ से अटैच हुआ है, और लेस जो है इसकी सिर्फ इतनी सी ही यहाँ पे देनी थी, बाकी सेंटर पैनल्स जो हैं यहाँ से ये सिलाई के साथ अटैच हुए हैं। और मैं अगेन मेंशन कर दूँ, आजकल एक्चुअली मैं ज़्यादा मेंशन डिटेल में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ क्लाइंट्स जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं स्टिचिंग के, तो इसमें मैं आपको बता दूं जब इस तरह से इसको अटैच करते हैं तो ये पता ही नहीं चलता कि ये जोड़ लगा है, और इसमें कोई लेस या कुछ भी ऐड करने की इस पर जगह ही नहीं है। सो ये पैनल्स यहाँ से अटैच हुए हैं, सेंटर पैनल जस्ट इतना है, इसके ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है जो कि अच्छी बात है। गला वगैरह कुछ भी जो है वो सेपरेट नहीं था, सारी एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर ही हुई हुई है। गले का भी जो साइज़ बना हुआ था वही हमने बनाया है, एंड इट्स मोर देन इनफ। इट्स लाइक 7 इंचज़ डीप और 7 इंचज़ ही वाइड है, तो बाकी सारी एम्ब्रॉयडरी जो है इसके ऊपर ही हुई हुई, कोई भी एप्लिक नहीं है। उसके बाद इसकी एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर भी इसके ऊपर ही जो है वो बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी। और ये वाला बॉर्डर जो है ये सिलाई के साथ लगा है। अच्छा, इसको हमने इसकी एम्बेलिशमेंट इसलिए चेंज की हैं क्योंकि एक तो मैं मेंशन करती हूँ हमेशा सना सबीनास के सूट्स की जो एम्बेलिशमेंट्स होती हैं, कुछ लीव्स और कुछ डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ईज़िली हमें मिलती नहीं है। और सेकेंड रीज़न ये कि इसी कलेक्शन के सेम क्लाइंट के बहुत सारे सूट स्टिच होकर गए थे जिसकी एम्बेलिशमेंट जो है वो सेम हो गई थी, तो इसलिए उनको ये थोड़ा सा लाइट वो चाहिए था, इसलिए हमने सिर्फ एजेस पर पर्ल्स लगा दी हैं ऑफ वाइट, और जो कि बहुत ही करीब लगाए हैं। बैक इस तरह का है, ये सारी भी एम्ब्रॉयडर्ड सा वो है, मतलब कि लाइन्स बनी हुई हैं, और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ हमने इसको स्टिच किया है। लेंथ हुई है आई थिंक इसकी 42 या 43 इंचेस। ओके, ये शर्ट हो गई। दुपट्टा इसका बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, नेट का इसका दुपट्टा है, और ये जो बॉर्डर्स हैं ये सिलाई के साथ लगे हैं, मतलब ये दुपट्टे के ऊपर नहीं थे, ये सेपरेट जो बॉर्डर्स थे जो कि हमने सिलाई के साथ लगाए हैं। इसके सेंटर में जो है इस तरह से सितारे की बूटियां हैं। अच्छा, इसके भी अगेन वही बात कि एम्बेलिशमेंट जो हैं जो उसके ऊपर लीव्स थे वो नहीं मिले हमें इजीली, तो हमने क्लाइंट के कहने पर ही जो है इस तरह से पर्ल्स लगा दिए हैं। वैसे तो इसके बॉर्डर लगने से ही अच्छा दुपट्टा हैवी हो गया। ओके, सो ये है इसका कंप्लीट दुपट्टा, एंड ओवरऑल इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन। और इसके बॉर्डर की वजह से जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि चटापटी अगर ये बनाए टेलर बनाए तो उसको काफ़ी मुश्किल होती है, बट ये पूरा बॉर्डर जो है रेडी बॉर्डर आया है, अलबत्ता इसके ऊपर लगा हुआ नहीं था तो हमने जो है इसको सिलाई के साथ इस पर अटैच कर दिया। सो ये दुपट्टा हो गया, और ये ट्राउज़र है। अच्छा, ट्राउज़र का भी जो है इसकी एम्ब्रॉयडरी से कलर मैच है क्योंकि 3 शेड्स में ये ड्रेस बना हुआ है। अगर किसी को ये लग रहा है कि जो है शर्ट की कलर का ट्राउज़र, तो ऐसा नहीं है, पिक्चर में भी ये डिफरेंट ही लग रहा है। और ट्राउज़र पे जो है वो 2 तरह की लेस लगी हुई है सेम शेड की, जो कि पिक्चर में थोड़ी लाइट लग रही है लेकिन और कोई कलर था नहीं जिसे मैच करते और ऐसा लुक आता, तो हमने हमें सेम लेस नहीं मिली, सिमिलर लेस लेके जो है इसको डाई करवाया है। ये दोनों लेसेस डाई करवाई, ड्रेस के साथ इंक्लूड नहीं है ये। और फिर पैंट के एज पे जो स्कैलप बने हुए थे वो भी ऐसे ही बनाए, कॉटन का ट्राउज़र है ये। अच्छा, ड्रेस है इसका कॉटन वोवेन नेट, एक्चुअली कॉटन नेट वोवेन नेट जो है इस तरह का फैब्रिक है, तो इट्स लाइक अ फॉर्मल फैब्रिक बट उसके साथ कॉटन की पैंट्स हैं। सो दैट्स इट, ओवरऑल इट्स अ नाइस ड्रेस, और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और अच्छा पार्टी वेयर है, एक्सपेंसिव भी है तो उस वजह से जो है ये लाइक पार्टी वेयर अच्छा ड्रेस है, नॉट वेडिंग वेयर बट ये कि शादी सॉरी डिनर वगैरह या खाने कहीं लंच वगैरह के लिए जो है वो अच्छा है, या किसी घर दावत पे जाना उसके लिए भी अच्छा है।
अच्छा, इसका जो है क्योंकि वोवन नेट फैब्रिक है तो हमने इसके अंदर कॉटन सिल्क लगाया है। नॉर्मली जो लॉन टाइप के फैब्रिक होता है तो उसके अंदर हम ग्रिप लगाते हैं, बट इसके के अंदर हमने कॉटन सिल्क ही फैब्रिक लगाया है जो कि हम शिफॉन या फॉर्मल सूट्स में लगाते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक जो है ये अच्छा खासा सी थ्रू तो है, मतलब इट्स मोर सी थ्रू लाइक देन क्या कहते हैं लॉन। तो ये कि ये फॉर्मल फैब्रिक ही है, इस वजह से हमने इसके अंदर कॉटन सिल्क की लाइनिंग लगाई है। सो दैट्स इट, ओवरऑल इट्स अ नाइस ड्रेस एंड आई लाइक इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।